नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरे चैनल द फनकार में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मेरे वीडियो के जरिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ मजेदार किस्से जो बॉलीवुड और म्यूजिक रिलेटेड होते हैं आप लोगों तक लाने की कोशिश करता रहता हूं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे एक होनहार कलाकार मखदूम महमूद अली उर्फ मैकी अली जी के बारे में। कौन थे ये मैकी अली, आइए जानते हैं। ये लड़का मेरा जो है, ये आज करीब 5 साल हो गए मेरे घर से भाग गया है, मुझे पता नहीं वो कहां है। लकी अली जी के छोटे भाई महमूद साहब के बेटे मखदूम महमूद अली उर्फ मैकी अली। मैकी अली का जन्म 1970 में हुआ था। उनके माता जी थे मधु कुमारी, जो मीना कुमारी जी की बहन थी। बचपन में पोलियो होने के कारण से मैकी का एक हाथ और एक पांव काम नहीं करता था। महमूद साहब मैकी को बहुत प्यार करते थे और हमेशा कोशिश करते रहते थे कि मैकी एक नॉर्मल बच्चे की तरह, एक आम बच्चे की तरह अपनी लाइफ जिए। फिक्र यही है कि उसके हाथ पैर नहीं है, वो कैसे रहता होगा। एक पोलियो पीड़ित बच्चा जिसका एक हाथ एक पैर काम नहीं करता, उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है ये हम सब जानते हैं। कि हंसाता तो हूं मैं आप लोगों को, लेकिन अंदर से बहुत रोता हूं। पोलियो बच्चों के लिए कितना खतरनाक है और इसके कारण से बच्चों के माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है, क्या गुजरती है, ये दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए महमूद साहब ने एक फिल्म बनाई थी। नाम था कुमारा बाप। मैं हूं घोड़ा, ये है गाड़ी, मेरी रिक्शा सबसे निराली। कुमारा बाप में बच्चा जब बड़ा हो जाता है और जब स्कूल जाने लगता है, वो रोल मैकी ने किया था। आई कांट इवन वॉक। बगैर डंडे के भाग तू, बगैर डंडे के भाग तू। काफी लोगों को नहीं मालूम कि कुमारा बाप राजेश रोशन जी की पहली मूवी थी एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। कहा जाता है कि इस फिल्म में महमूद साहब के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत सारे फेमस एक्टर एक्ट्रेसेस ने फ्री में काम किया था। मैकेनिक हूं, सुबह 9 बजे स्टार्ट करता हूं, तेरी तरह थोड़ी ना जो 6 बजे चालू हो गया। देख मेरी रिक्शा का सरे खराब हो गया, क्या चेन पे स्लिप करता क्या। इसके बाद महमूद साहब ने एक और फिल्म बनाई थी, नाम था एक बाप 6 बेटे। मैकी अली जी ने इसमें भी काम किया था। महमूद साहब की दूसरी वाइफ ट्रेसी अली जी ने मैकी को कहा था कि अपने पैरों में खड़े होने की कोशिश करो। ये सुनकर मैकी अली घर छोड़कर भाग जाते हैं। 1984 से 1989 तक मैकी कहां थे महमूद साहब को पता नहीं था। महमूद साहब ने काफी कोशिशें की थी उनको वापस बुलाने की, लेकिन मैकी साहब नहीं आए। इसी दौरान मैकी ने काफी सारे काम भी किए, जैसे शादी में फोटोग्राफी करना, प्रोडक्शन में असिस्ट करना, और उन्होंने अपना एक एल्बम भी निकाला था, नाम था शायद। दिल जो चला गया है उसे आबाद करो यारों तुम। मैकी जी ने 2 वीडियो में काम भी किया था। एक था यारों सब दुआ करो और दूसरा तिरछी टोपी वाले। लेकिन वो सफलता उनको नहीं मिली जिसकी तलाश में वो थे। वो वापस अपने पिता के पास आ जाते हैं। मैकी अली जी बिल्किस से शादी करते हैं और उनका एक लड़का भी है जिनका नाम है निजाम। वो वर्सोवा में रहने लगते हैं। हाय डैड, मेक सम मनी। आई नो मनी गुड टॉक गु 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 गु। क्या बोल रहे हैं आप। अरे वाह। 31 अगस्त
2002 महमूद साहब को न्यूयॉर्क जाना था। मैं की अली जी साथ आते हैं मुंबई एयरपोर्ट तक महमूद साहब को सी ऑफ करने। वापस जाते वक्त गाड़ी में उनको हार्ट अटैक होता है और उनका देहांत हो जाता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस।